टू द एडवेंचर ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड। पहले मैं इस चैप्टर को कि हर पैराग्राफ को इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं उसे हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। सो द एडवेंचर ऑफ टोटो। ग्रैंडफादर बॉच टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी फीडिंग Truff and the monkey looked so out of place there that the grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. दादाजी ने टोटो को एक टांगा चालक से 5 रुपए में खरीदा था। टांगा चालक ने उस छोटे लाल रंग के बंदर को एक नांद के पास बांधा करता था, और बंदर उस जगह इतना अनुचित लगता था कि दादाजी ने उसे अपने निजी चिड़ियाघर में सम्मिलित करने का निश्चय कर लिया। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद द मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ विच वेयर पर्ली वाइट वेयर वेरी ऑफन डिस्प्लेस्ड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ द एडरली एंग्लो इंडियन लेडीज बट हिज हैंड लुक्ड ब्राइट Up as though they had been pickled in the sun for many years. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good look. Also served as a third hand, he could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up a delicacy that might be out of reach of his hand. टोटो एक सुंदर बंदर था। उसकी चमकीली आंखें गहरी बौहें के नीचे शरारतपूर्ण ढंग से चमकती थी। जब वह मुस्कुराता था तो उसके मोतियों जैसे सफ़ेद दांतों को देखकर भारतीय महिला डर जाती थी, परंतु उसके हाथ सूखे सूखे लगते थे जैसे सालों धूप में सुखाए गए हों। फिर भी उसकी उंगलियां फुर्तीली व शरारती थी, और उसकी पूंछ उसकी सुंदरता में चार चांद लगाती थी। दादाजी के विचार में पूंछ से सभी के सौंदर्य में बढ़ोतरी होती थी। जो तीसरे हाथ का काम करती थी वह इसका प्रयोग करके किसी भी शाखा से लटक सकता था, और जहां हाथ पहुंच पाने में समर्थ नहीं थे वहां से वह अपनी पूंछ से भोजन प्राप्त करने में सक्षम हो जाता था। ग्रैंडफादर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंडमदर ब्रॉच होम सम न्यू वर्ड और एनिमल So it was decided that the Toto's present should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. Grandfather and I put him away in a little closest opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. दादाजी जब भी कोई नया पक्षी या जानवर घर पर लाते थे तो दादी हमेशा हंगामा करती थी। इस प्रकार यह निश्चय किया गया कि दादी जब तक विशेष रूप से यह मनोस्थिति में ना आ जाए कि वो टोटो की उपस्थिति को बर्दाश्त कर ले, टोटो को गुप्त रखा जाए। दादाजी और मैंने उसे अपने शयन कक्ष की दीवार में खुलने वाली कोठरी में एक खूंटी के सुरक्षात्मक ढंग से बांध दिया। अ फ्यू आवर्स लेटर When the grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by the grandfather, now stood out as naked brick and the plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging where was in the shreds. I wondered that the grandmother would say, but Grandfather did not worry. He seemed pleased with the Toto's performance. He is clever, said Grandfather. Give time, I am sure. He could have tied the torn pieces of your blazer into the rope and made his escape from the window. कुछ घंटों पश्चात दादाजी और मैं टोटो को आजाद करने के लिए वापस आए तो हमने देखा कि उसने खूंटी को उखाड़ दिया था, और जिन दीवारों को दादाजी ने अपनी पसंद की सजावटी पन्नियों से ढका हुआ था अब
ईंट और बास्केटबॉल बॉल की नंगी दीवार खड़ी रही गई थी। मेरे स्कूल का ब्लेजर जो वहाँ टंगा था उसे टोटो ने पकड़कर चिथड़े कर दिया था। मुझे आश्चर्य था कि दादाजी क्या कहेंगे। हालांकि दादाजी को कोई चिंता नहीं हुई। वह टोटो के कारनामे देखकर प्रसन्न होने लगे। वह चतुर है, दादाजी बोले, अगर समय मिलता है तो मुझे यकीन है कि वह तुम्हारे ब्लेजर के चिथड़े को बांधकर रस्सी बनाकर खिड़की से भाग जाएगा। हिज प्रेजेंस इन द हाउस इज स्टिल अ सीक्रेट। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पैट लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर। आर टॉल टॉयज, आ पेयर ऑफ द रैबिट्स, अ टीम ऑफ स्क्वेरल एंड फॉर अ वाइल माई पैट गॉट। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू नीड टू स्लीप एट नाइट। सो ग्रैंड फादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन द सहारनपुर डिसाइड टू टेक हिम अलॉन्ग। घर में उसकी उपस्थिति अब भी गोपनीय थी। टोटो को अब एक बड़े पिंजरे में करके नौकर वाले कमरों में स्थानांतरण किया गया जहाँ दादाजी के अनेक पालतू पशु मिलजुल कर रहते थे। कछुआ, खरगोश का जोड़ा, एक पालतू गिलहरी तथा कुछ देर तक अपनी पालतू बकरी भी। परंतु बंदर ने रात में किसी को भी अपने साथ सोने नहीं दिया, अतः दादाजी ने को देहरादून से सहारनपुर जाना था पेंशन लेने के लिए, तो दादाजी ने टोटो को अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट कंपनी ग्रैंडफादर डेट ट्रिप बट ही टोल्ड मी अबाउट द आफ्टरवर्ड्स। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर द टोटो। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकम हिज न्यू एडॉप। वेन द बैग वॉज क्लोज देयर वॉज नो एस्केप। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। हिज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड द effect of making the bag roll about on the floor or the occasionally jump into the air, an exhibition that attracted the curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. दुर्भाग्यवश मैं उस यात्रा में दादाजी के साथ नहीं जा सका, परंतु उन्होंने बाद में मुझे बता दिया था। टोटो को रखने के लिए एक बड़ा काले रंग का बैग का किट किरचिम का किट बैग उपलब्ध कराया गया। इसके तल में घास फूस डाल दी गई। यह उसका नया घर बन गया। जब बैग बंद कर दिया गया, उसके बाहर निकलने का कोई रास्ता ना था, तो टोटो अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था तथा कपड़ा इतना मजबूत था कि वह दांत से उसे काट भी नहीं सकता था। उसके प्रयासों का परिणाम केवल इतना था कि थैला प्लेटफॉर्म पर लुढ़कता रहा या कभी कभार हवा में उछल पड़ता था। एक प्रदर्शनी थी जिसमें देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर उत्सुक दर्शकों की भीड़ आकर्षित हो रही थी। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर वाइड ग्रिन। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट with the great presence of mind and much to grandfather annoys he said, sir, you have a dog with you, you will have to pay for it accordingly. In vain did grandfather take Toto out of the bag, in vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector, and the 3 rupees was a sum handed over his fare. Then the grandfather, just to get on his back, took from his pocket our pet tortoise and said, what must I pay for this? Since you charge for all animals, the ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it, and with his forefinger gave grandfather a pleased and the triumphant look and said, no charge. It is not a dog. सहारनपुर पहुंचने तक टोटो बैग में रहा, परंतु दादाजी ने यांत्रिक गेट से बाहर निकलते समय जब अपना टिकट कलेक्टर को दिया
टोटो ने थैले से सिर बाहर निकालकर अपने दांत दिखाए। बेचारा आदमी डर गया। दिमाग से दादाजी के आक्रोश को भागते हुए उसने कहा, श्रीमान, आप अपने साथ एक कुत्ता भी लाए हैं? तुम्हें इसका भाड़ा देना होगा। दादाजी ने टोटो को थैले से बाहर निकालकर सिद्ध करने की अभ्यास किया कि यह कुत्ता नहीं है और उसे भाड़ा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। टिकट संग्राहक टोटो को कुत्ते में वर्गीकृत किया और 3 रुपये अतिरिक्त भाड़ा दादाजी को देना पड़ा। तब दादाजी ने बदले की भावनाओं से अपने जेब से कछुआ को निकाला और बोले, क्या मैं इसका भाड़ा भी दूँ? क्या आप सभी पशुओं का भाड़ा लेते हैं? टिकट संग्राहक ने कछुए को नज़दीक से देखा, उसे अपनी उंगली से दबाया और दादाजी की ओर प्रसन्न चित्त शौर्ययुक्त नज़र डाली और कहा, कोई भाड़ा नहीं, यह कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by the grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion of the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him to a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without an apparent cause, pulling to aid her helter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on her long ears with his sharp little teeth. Toto and Nana never become friends. आखिर मैं जब दादाजी ने दादी जी ने टोटो को स्वीकार कर लिया तो उसे अस्तबल में एक आराम घर दिया गया। वहाँ उसका साथी परिवार का गधा नाना था। अस्तबल में टोटो की पहली रात दादाजी की एक नज़र देखने गए कि वह आराम से है या नहीं। उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि नाना अपनी रस्सी को खींच रहा था तथा ना जाने क्यों घास के ढेर से सिर दूर हटाने का प्रयास कर रहा था। दादाजी ने नाना के पिछवाड़े पर एक थप्पड़ लगाया और झटके इसके साथ अपना सिर पीछे हटाया। टोटो भी साथ में खिंचा चला आया। वह नाना के लंबे कानों से चिपटा हुआ था और अपने पैने दांत उसके कानों में गड़ाया था। टोटो और नाना फिर कभी मित्र नहीं बन सके। A great treat for the Toto during the cold winter evening was a large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. When the water becomes cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen, the fire, in order to dry himself. If anyone laughed at him during his performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. सर्दी की शामों में टोटो की खूब खातिरदारी होती थी। दादी जी उसे गर्म पानी का एक बड़ा कटोरा नहाने के लिए देती थी। वह बड़ी चालाकी से पानी के तापमान का परीक्षण करता था। उसमें धीरे से हाथ डालकर देखता था कि पानी कितना गर्म है। वह धीरे धीरे नहाता था। वह मुझे जैसा करते हुए देखता था, पहले एक पैर फिर दूसरा पैर, तब तक वह करता था जब तक गर्दन तक पानी में ना चले जाए। एक बार आराम से बैठ जाने पर वह तथा हाथ पाँव में साबुन लगाकर मलता था। जब पानी ठंडा हो जाता था तो वह पानी से बाहर निकलकर दौड़कर रसोई में चूल्हे के सामने सुखाने के लिए बैठ जाता था। यदि कोई उसे ऐसा करते देखकर हंस पड़ता तो उसको बुरा लग जाता था। टोटो नहाना बंद कर देता था। एक दिन टोटो खुद ही लगभग जीवित ही बोलने वाला था। अ लार्ज किचन केटल had been left on the fire to the boil for the tea, and Toto, finding himself with nothing better to do,
decide to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hoping and down for some time until the grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. If there is a part of the brain especially devoted to the mischief, that part largely developed in the Toto. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear hole in it. एक बड़ी केतली आग पर चाय के लिए पानी उबालने के लिए रखी थी। खाली बैठे इससे अच्छा कुछ न जानकर केतली के ढक्कन हटाने का निश्चय किया। नहाने के लिए पर्याप्त गर्म पानी पाकर उसमें वह अदर घुस गया था। खुली केतली से उसने अपने मुंह को निकाले रखा। कुछ पल के लिए उसे अच्छा लगा जब तक पानी उबला नहीं था। टोटो जरा सा बाहर निकला, परंतु बाहर ठंड पाकर वह पुनः बैठ गया। उसने कुछ समय तक ऊपर नीचे उछलना जारी रखा, जब तक दादी जी ने आधे उबले हुए केतली से बाहर नहीं निकाला। अगर मस्तिष्क का कोई भी भाग शरारत करने के लिए बना है, तो वह टोटो में सर्वाधिक विकसित है। वह हमेशा चीज़ों को फाई फाड़ कर अलग किया करता था। जब भी मेरी एक बुआ उसके समीप आती थी, तो वह उनकी पोशाक को पकड़कर फाड़ने का प्रयास करता था। One day, at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find the Toto stuffing himself with the rice. My grandfather screamed and Toto threw a plate at her. One of my aunt rushed towards and received a glass of water in the face. When the grandmother arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. We found him in the branches of the jackfruit tree. The dish is still in his arm. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on the fizzing every grain. And then, in order to spite the grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with the delight when it broke into the 100 pieces. Obviously, Toto was not the sort of pet you could keep for the long. Even grandfather realized it. We were not well to do and could not afford the frequent loss of the deceased clothes, curtains and wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back for him for only 3 rupees. एक दिन अपराह्न के भोजन के समय खाने की मेज पर डाइनिंग टेबल पर पुलाव की एक बड़ी प्लेट रखी थी। हम कमरे में अंदर प्रविष्ट हुए और देखा कि टोटो चावल अपने मुंह में खा रहा है। मेरी दादी माँ ने चीख मारी तथा टोटो ने उन पर एक प्लेट फेंक दी। जब मेरी एक बुआ आगे बढ़ी तो उस पर पानी का ग्लास फेंक दिया। जब दादाजी पहुँचे तो टोटो ने पुलाव की प्लेट उठाकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। हमने उसे कटहल के पेड़ की शाखाओं में पाया और प्लेट उसके हाथों में थी। वह पूरी दोपहर वहीं रही। वह चावल का एक एक दाना खाने पर आमदा था और फिर दादी को चिढ़ाने के लिए उसने खाली प्लेट पेड़ से नीचे फेंक दिया। जब प्लेट सैकड़ों टुकड़े हो गए तो वह खुशी से चहचहाया। निश्चित रूप से टोटो कोई पालतू जानवर नहीं था जिसको हम लंबे समय तक अपने पास रख सकते थे। यह दादाजी ने महसूस किया और कि हम टोटो को रखना में समृद्ध नहीं थे। हम निरंतर प्लेटों, पर्दों, वॉलपेपर्स के नुकसान को सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए दादाजी ने टोटो को अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज टोटो
कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। टोटो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में कैसे आया? ग्रैंडफादर आंसर है, ग्रैंडफादर लव्ड एनिमल्स। वन डे ही सॉ दिस अट्रैक्टिव मंकी विथ अ ट्रोंगा ड्राइवर। द मंकी वॉज टाइड टू अ फीडिंग ट्रॉफ एंड सीम्ड आउट ऑफ द प्लेस देयर। ग्रैंडफादर हैड ग्रेट लाइकिंग ऑफ एनिमल्स, सो ही डिसाइडेड टू बाय टोटो फ्रॉम द टांगा ड्राइवर एंड बॉच इट फॉर 5 रुपीज। ग्रैंडफादर को जानवर बहुत पसंद थे। एक दिन रास्ते में जाते हुए ग्रैंडफादर ने एक मंकी को टांगे चलाने वाले के पास पाया। वो टांगे चलाने वाले के पास बंधा हुआ था। ग्रैंडफादर को जैसा कि जानवर से बहुत लगाव था, तो उन्होंने यह निश्चय किया कि वह टोटो को टांगा ड्राइवर से सिर्फ 5 रुपये में खरीद लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। इन वॉट सेंस टोटो प्रिटी? टोटो आंसर है इसका, टोटो हैड द ब्राइट आईज स्पार्कलिंग विद द मिसचीफ, पर्ली वाइट टीथ, क्विक एंड द विक्ड एंड अ ग्रेसियस टेल विच सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। द स्माइल ऑफ द टोटो वॉज क्यूट एंड फ्राइटेंड एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। ऑल टूगेदर ऑल दीज क्वालिटी मेड हिम प्रिटी। क्वेश्चन नंबर 3। वाई डज द ग्रैंड फादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ? Why does the ticket collector insist on calling Toto a dog? Toto was a mischievous monkey. He kept disturbing all other animals in the grandfather's private zoo. It seemed that only the grandfather could manage him properly. So he took Toto to the Saharanpur in a bag. The ticket collector called Toto a dog as the monkey did not qualify the category of the human beings. Question number 4. Took the temperature with his hand, then gradually stepped into the bath. He stepped first one foot, then the other, until he was into the water up to his neck. He rubbed himself all over the soap with the soap. He learned it all from the author. Someday Toto got in a large kitchen kettle which was on the fire of the boil. He enjoyed the warm water, but when the water turned out too hot, he jumped up and down. Suddenly the grandmother arrived. It pulled him in the half boiled condition. हिंदी में, टोटो को तापमान जांचने की इच्छा होती थी, तो वो धीरे धीरे अपना एक एक पैर पानी में रखता था। पहले वो एक पैर रखता था, फिर वो दूसरा रखता था। वो जब तक ऐसा करता था जब तक वह पूरा उसका जो पानी है वो गले तक ना आ जाए। फिर वो पूरे अपने शरीर में साबुन को लगाता था। यह उसने जो लड़का है ऑथर उनसे सीखा है। एक दिन किचन में पानी गर्म हो रहा था, एक केटली में पानी गर्म हो रहा था, तो टोटो ने वो केटली के ऊपर जाके बैठ जाता है। टोटो उस गर्म होती हुई केटली के अंदर जाके बैठ जाता है कि उसको लगा कि पानी गर्म हो रहा है तो मैं बैठ जाता हूँ, तो इस वजह से वो अपने आप को उगाल सकता था। तभी उसे ग्रैंड मदर ने, दादी माँ ने देख लिया और उसे इस सिचुएशन से बाहर निकाल लिया, नहीं तो वो अपने आप को उगाल ही लेता। क्वेश्चन 5। व्हाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ द पेट वे कुड कीप फॉर लॉन्ग? ऑथर ऐसा क्यों कहता है कि टोटो इस तरह का जानवर नहीं है कि उसे हम ज्यादा समय तक अपने पास रख सके? ऑथर्स स्टेटमेंट अबाउट द टोटो प्रूव्स इटसेल्फ इफ वी टेक टोटोज misdeeds into the consideration. Nobody could afford the frequent losses. He disturbed all other animals too. Obviously, Toto was not the sort of the pet we could keep for long. Next question. Talk about it. Question number 1. Does
You have a pet. Is your pet is mischievous? Tell the class about it. क्या आपके पास भी पेट है? क्या वो भी मिसबिहेव करता है? इसके बारे में कक्षा को बताइए. यह आपको अपने हिसाब से करना है. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 2 marks ईच. राइट इन 30 to 40 words ईच. क्वेश्चन नंबर 1. Why did the author's grandfather decide to buy Toto? Grandfather was the animal lover and took pity on Toto as it was kept tied to a feeding trough. Toto looked out of the place and grandfather decided to bring it to his private zoo. He was impressed by the Toto. That's it. Thank you.